दोस्तों नमस्कार। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे। खास करके विशेष करके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कक्षा 10 के 2023 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत संभावना है, आ भी सकता है। इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखेंगे और इसको करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न इस तरह से दिया गया है कि दो कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -9x प्लस 1/x का कोष्टक बंद, फिर 14=0। इस समीकरण को हल करना है, हल करके यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम जानते हैं कि a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है, तो सबसे पहले हमको इस संख्या को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। अगर हम यक्स लिख दें तो हो जाएगा यक्स धन 1/x का होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करने क्या होगा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर और धन 2 × यक्स × 1/x। तो यहाँ पर देख रहे हैं यक्स यक्स से कट जा रहा है, तो हो रहा है कितना, ये हो गया, ये बराबर हो गया यक्स स्क्वायर धन 1/x² धन 2 हो गया। तो इस तरह से अगर हमको यक्स स्क्वायर धन 1/x² के स्थान पर कुछ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यक्स धन 1/x² -2। अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर धन 1/x² के स्थान पर। अब हम यही मान यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर यह मान रखेंगे तो हो जाए कितना, तो हो जाएगा 2 कोष्टक में, देखिए जहाँ पर लिखा गया है कि यक्स स्क्वायर धन 1/x², तो हम यहाँ पर लिखेंगे हो जाएगा यक्स धन 1/x² और -2, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हो गया यक्स प्लस 1/x और ए प्लस हो गया 14=0। इसके बाद देखिए हम इसको लिख देंगे हो जाएगा, ये हो गया 2x धन 1/x² और -2 × 2 = 4 और ये हो गया 9x + 1/x और हो गया +14, ये बराबर हो गया 0 के। हम इसको लिख देंगे समायोजित जब करेंगे तो हो जाएगा 2x धन 1/x² माइनस हो गया 9, ये हो गया यक्स प्लस 1/x और यहाँ देखिए 14 में से 4 को माइनस कर दें तो आ जाएगा +10 हो गया, इस तरह से बराबर आ गया 0 हो गया। इसके बाद अब हम मान लेते हैं कि माना यक्स धन 1/x बराबर हम वाई मान लेते हैं, चलिए वाई मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे ये हो गया 2y·2 और ये हो गया -9y और ये हो गया 10, इतना बराबर हो गया 0 के। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो जब इसको ऐसे गुणनखंड आप कक्षा 8 से ही करते चले आ रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, 10 में 2 का गुणा करेंगे, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 का ऐसा गुणनखंड लेना है कि जोड़ने पर 9 आए तो कितना हो जाएगा, 5 × 20। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि 2y² -5 धन 4y + 10
बराबर हो जाएगा जीरो। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा दो वाई स्क्वायर, ये हो गया पाँच वाई माइनस चार वाई प्लस, ये हो जाएगा दस बराबर हो जाएगा जीरो। इस तरह से आपने इसको लिख दिया कि हो गया। इसमें से देखिए यहाँ से y कामन लेंगे तो हो जाएगा y कामन लेंगे तो यहाँ जाएगा दो वाई माइनस फाइव आ जाएगा, और यहाँ से दो कामन लेंगे तो आ जाएगा दो वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। तो एक कोष्टक में आ गया दो वाई माइनस फाइव और दूसरे कोष्टक में आ गया वाई माइनस दो। इस तरह से लिखेंगे दो वाई माइनस पाँच बराबर हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा वाई बराबर पाँच बटा दो। अब हम जान देंगे कि एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर पाँच बटा दो हो गया। अब इसको हम कर देंगे सरल करेंगे तो देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन एक बटे एक्स और ये आ गया पाँच बटा दो। तो बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर धन एक में दो का गुणा हो जाएगा इस दो का और ये हो जाएगा पाँच एक्स। अब हम इसको इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया दो एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर हो गया पाँच एक्स। इसको और सरल कर लेंगे तो सरल करने पर कितना हो जाएगा कि दो एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस दो बराबर जीरो हो जाएगा। इसको सरल करेंगे गुणनखंड करेंगे इसका, दो दूनी चार हो जाएगा तो हो गया दो एक्स स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ पर माइनस चार धन एक एक्स धन दो बराबर जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस एक्स प्लस दो बराबर जीरो हो गया। तो आप लिख देंगे ये हो जाएगा यहाँ दो कामन लेंगे तो हो जाएगा एक्स, दो एक्स कामन लेंगे तो दो एक्स जब कामन कर देंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस दो आ जाएगा, और यहाँ पर एक कामन लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस दो बराबर जीरो हो जाएगा। अब आप इसको लिख देंगे ये हो जाएगा कि एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस दो, एक कोष्टक हो जाएगा एक्स माइनस दो और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस एक। इस तरह से अरे बराबर जीरो के है तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स बराबर दो हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे को हम निकाल लेंगे तो दूसरे को जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा, तो वाई माइनस दो बराबर जीरो हो जाएगा। तो लिख देंगे कि वाई बराबर दो हो गया। अब वाई के स्थान पर लिखेंगे एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर दो हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन एक बराबर दो एक्स हो गया। अब इसको लिख देंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा। तो अब इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स माइनस एक और एक्स माइनस एक। इस तरह से एक्स बराबर एक और एक आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी।